सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज मैं लॉर्ड हनुमान जी को ड्राइंग करने वाला हूँ, और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर लूमिस मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। और हाँ, A4 साइज की ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लूमिस मेथड की जो स्ट्रक्चर है वो रिफरेंस फोटो के ऊपर मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। बाकी किस तरीके से कोई भी रिफरेंस फोटो के ऊपर क्रिएट करना है वो मैं किसी और वीडियो में सिखा दूंगा आप लोगों को। एंड डोंट वरी, ये रिफरेंस फोटो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पहले वो डाउनलोड कर लेना। तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लूमिस मेथड की जो ये स्ट्रक्चर है वो हमें ड्राइंग पेज के ऊपर ड्रॉ करना है। वैसे तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कोई भी साइज में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आप लोग इस ड्राइंग को कर सकते हो, बट अगर A4 साइज में इस ड्राइंग को एकदम से फिट करना है तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ 21 सेमी होता है, तो 21 डिवाइड बाय 2 यानी 10.5 सेमी पर एक मार्क करना है, और सेम अभी 10.5 से पर उसके नीचे भी मार्क करना है। एंड देन अभी इसको इस तरीके से लाइन में मैच कर लेना है। और बाकी की दोनों साइड्स में लेंथ 30 सेमी होता है, तो 30 सेमी डिवाइड बाय 2 यानी 15 से पर दोनों साइड में मार्क करना है। एंड देन इसको भी लाइन में मैच कर लेना है। और अभी देख सकते हो पेज 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। और अभी पेज की ऊपर की साइड में मिडिल पॉइंट की थोड़ा ऊपर से वर्टिकली पेज की हाफ जितना होता है उतना तक लेके इस तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ करना है। और अभी सर्कल की मिडिल पोजिशन पे जहाँ पर कॉम्पस को बिठा के सर्कल को ड्रॉ किए थे वहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। तो ये आ गया हमारा हनुमान जी की आईज की लाइन, और उसके थोड़ा ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करना वो आईब्रोज की लाइन होगी, और सर्कल की थोड़ा नीचे एक और लाइन ड्रॉ करना वो अपर हेड यानी हेयर्स की लाइन होगी। और अभी अपर हेड की लाइन से आईज की लाइन तक जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना डिस्टेंस लेके आईज लाइन से नीचे एक और लाइन ड्रॉ करना, तो ये आ गया नोज की लाइन। और अभी सर्कल की दोनों साइड्स में इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर लेना। तो जितना तक मार्क किया हो उतना एरिया फेस की फ्रंट एरिया होगी, ऐसा मैं रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके किया हूँ। नेक्स्ट अभी आईज की लाइन से नोज की लाइन जितना डिस्टेंस पड़े वो डिस्टेंस को लेकर नोज से नीचे एक और लाइन ड्रॉ करना है, तो मेरा मानना है फेस इतना तक आएगी। तो बस गाइस, लूमिस मेथड की जो स्ट्रक्चर है वो मैं बना लिया हूँ, तो ये आप लोग पहले ड्रॉइंग पेज के ऊपर बना लो। और अभी इसके बाद हमें अभी हनुमान जी की फेस को ड्रॉ करना है। तो बस अभी जस्ट हमें रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी फीचर्स है वो ड्रॉ करते जाना है, और सब कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें अभी राफ स्केच बनाना है, तो एक ही लाइन को बार बार ड्रॉ करना है आप लोगों को, जब तक नहीं लगेगा कि हाँ अभी ये लाइन सही हो गया। तो जितना हो सके हमें अभी हल्के हाथ से ड्रॉ करना है, और पेंसिल को दूर से पकड़ना है, क्योंकि बार बार हमें इरेज भी करना पड़ेगा इस टाइप की ड्राइंग में। बाकी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो, मैं वीडियो को बहुत ही स्लोली अपलोड किया हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ कि मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सो नाउ एंजॉय द वीडियो।
तो बस गाइस रफ स्केच कंप्लीट हो गई है और अभी हमें एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करना है और फुल ड्राइंग को भी इरेज करना है, बट वो हल्के हाथ से करना है, एकदम से इरेज मत कर देना, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को इरेज करना है। ओके नेक्स्ट, अभी हमें इसके ऊपर फाइनल स्केच को ड्रॉ करना है। तो अभी आप लोग 2B या फिर 4B पेंसिल को यूज़ कर सकते हो और पेसर अप्लाई करके भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कहाँ पर कौन से फीचर्स एक्चुअली होगी। बाकी देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे। तो बस गाइस ड्राइंग कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लूमिस मेथड को अप्लाई करके ड्राइंग को करना है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। बाकी ये ड्राइंग की फोटो और रेफरेंस फोटो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग कमेंट पर लिखो कि मैं इस ड्राइंग को कौन से मीडियम पर करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।